नेक्स्ट वीडियो आ गया है आपके सामने जो कि रिलेटेड है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमिनल, और आज हम इसका सेकंड वीडियो बना रहे हैं। तो जैसा कि आपने हेडिंग देख ही लिया है, आज हम डिस्कस करेंगे रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम मैंने प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, काफ़ी कुछ उसके बारे में मैंने बताया था। आज हम रिमाइंडर तो रिवाइज करेंगे ही करेंगे, साथ में फैक्टर थ्योरम भी स्टार्ट करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है विकीज क्लासरूम और मेरा नाम है विवेक विश्वकर्मा। तो जैसा कि मैं क्वेश्चन आगे बढ़ने के पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि प्रीवियस जो वीडियो थी या प्रीवियस क्लास बोलिए, उसमें मैंने फैक्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, क्योंकि मेरी हर टॉपिक से रिलेटेड जो पहली वीडियो होती है वो इंट्रोडक्शन ही होती है। तो उस इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था पॉलीनोमिनल इक्वेशन क्या होती है, वो किस टाइप की होती है, उसमें हम फैक्टर का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों है, क्या है, कैसा है, सब कुछ। क्योंकि इस पॉलीनोमिनल चैप्टर स्टार्ट के पहले मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी वो भी थी फैक्टराइजेशन, और वो थी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड। फाइन, तो उसमें हमने कैसे फैक्टराइज किया था, तो मैंने हर वीडियो में ये कंटिन्यू रिवाइज करवाया है, बताया है कि फैक्टराइजेशन मीन्स आपका जो इक्वेशन आएगी उसको फाइनली आपको ब्रैकेट फॉर्म में जमाना है, और उस ब्रैकेट को ही हम क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मी, ताकि आपके दिमाग में एक कम्फर्टेबल वर्ड जो है वो बैठे कि फैक्टराइजेशन एक्चुअल में है क्या। तो मैंने बताया था कि भाई फैक्टराइजेशन मीन्स अरेंज इन ब्रैकेट फॉर्म। तो पॉलीनोमिनल में भी अब आपको कोई इक्वेशन जो है, जो भी इक्वेशन आपको दी गई है जो भी इक्वेशन दी गई है वो ना ही कॉमन निकल रहा है उसमें कुछ, ना ही कोई आपकी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, ना ही कोई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कोई रोल हो रहा है। तो उस टाइप की इक्वेशन को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे वो हमने इस चैप्टर में थोड़ा सा डिस्कस किया था। फाइन, तो जैसा कि ये तो टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, तो कल मैंने इसको प्रॉपर तरीके से आपको बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम जो है वो रिमाइंडर वर्ड आया है डिवाइड से। फाइन, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर से, तो ये हुआ 2 2 4, मैंने इसका भी एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे आ गया 4 और ये क्या आया 1। तो ये जो कंसेप्ट है ये आप जानते हैं, ये हुआ 2 × 2 दिस वन, और प्लस ये हो गया, तो आपका क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ये वाला कंसेप्ट आप सभी जानते हैं, बुक में कुछ FXGX के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। जैसे इस मेन क्वेश्चन को उसने FX लिखा है, यहाँ पे ये GX, इसको QX क्वेश्चन, और ये आता है लास्ट में रिमाइंडर। तो लिखने का पैटर्न बस चेंज हुआ, लेकिन है वो कंसेप्ट ये। जैसे मैं यहाँ पे GX मल्टीप्लाई बाय QX प्लस रिमाइंडर और इज इक्वल टू आपका क्वेश्चन आ जाएगा FX, आप इसको और इसको मैच कर सकते हैं। फाइन, तो इतनी सारी कहानी करने के बजाय अगर आपके पास आपका क्वेश्चन है और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू है पॉलीनोमिनल के फॉर्म में, तो आप डायरेक्ट ही उसका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको बिल्कुल दूंगा, उससे आपको रिमाइंडर थ्योरम और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, क्योंकि इतना आप कैंसिल करने के बाद आखिरी में एक रिमाइंडर जो आता है और बीच में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सामने वाले ने सिर्फ ये पूछा है कि भाई मुझे मेरा रिमाइंडर बताइए, तो अपन बहुत ही आराम से कंफर्टेबल तरीके से आप बता सकते हैं, इसीलिए ये थ्योरम बनाया गया है रिमाइंडर थ्योरम। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 2x⁴ माइनस 6x³ प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय, ऐसा लिखा हुआ है, मैंने डिवाइड का सिंबल लगा दिया, इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। सामने वाला बोल रहा है फाइंड रिमाइंडर, ठीक है, शॉर्ट में फटाफट अपन को मेन जो काम है वो पहले जानना है।
फाइंड रिमाइंडर, तो अब वो डिवाइड बोला है तो क्या मैं उसको डिवाइड करके ही रिमाइंडर दूँ? नहीं, उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि मुझे सिर्फ रिमाइंडर जानना है। तो आप सिंपल लिखेंगे रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा, ठीक है, बाय द रिमाइंडर थ्योरम मैंने जिससे डिवाइड कर रहा हूँ वो है आपका, मान लीजिए जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। फाइन, ये ज़ीरो है, ये लेट मान लीजिए इसको, तो आपको एक्स की वैल्यू मिली माइनस टू, ये प्लस टू में दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू उधर जाके। अब इस टू को मैं इस इक्वेशन में डायरेक्ट पुट करूँगा, ठीक है, इस टू को, उस माइनस टू को इस इक्वेशन में मैं डायरेक्ट पुट करूँगा, तो उससे जो पूरी वैल्यू काट छाट करने के बाद जो बचा वो एक्चुअल में क्या होगा आपका, रिमाइंडर। मैं लगे तो आपको डिवाइड करके भी शो कर दूंगा। आइए चलिए पहले इसको देखते हैं। तो 2 माइनस टू का पावर 4, 6 माइनस टू क्यूब प्लस 2 माइनस टू स्क्वायर माइनस माइनस 2 और ये प्लस 2। एक बार चेकआउट कर लीजिए, 2 है माइनस टू की पावर 4, माइनस 6 है माइनस टू की पावर 3 प्लस 2 माइनस टू की पावर 2 माइनस और माइनस 2 प्लस 2। फाइन, सॉल्व करते हैं। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 और 16 टू ज़ा 32। पावर आपकी इवन है, वैल्यू नेगेटिव है, आंसर आएगा पॉजिटिव, मैंने कई बार बताया है। पावर आपका ऑड है, यहाँ पे 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 और 6 एट ज़ा या 8 6 ज़ा 48, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस 48। क्लियर, पावर इवन है, 2 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, ये हो गया, ये माइनस प्लस 4 और लास्ट में तो बचा 4। एक बार फिर से चेकआउट कर लीजिए, कैलकुलेशन कुछ प्लस माइनस हो तो ध्यान रखिएगा। ये हुआ 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 और 16 टू ज़ा 32। पावर हमारी इवन है तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ऑड है 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48 या 6 8 ज़ा 48, 4 और ये 2, ये तो 8 ही हो गया, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव तो प्लस 8, ये माइनस माइनस प्लस और ये लास्ट में 2। सारी की सारी वैल्यू आप गौर कीजिए प्लस में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 48 प्लस 2 ये हो गया 50, ये 32 और ये 8 4 12, ये हो गया 4 8 और ये 9, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया अभी है यहाँ पे 94। सिंपल, इसमें मेहनत लग रही है मान रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप इस पॉलिनोमिनल इक्वेशन को x प्लस 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मसला हो जाएगा। फाइन, तो इस 94 को मैं पकड़ के रखता हूँ और आपको डिवाइड करके बताता हूँ। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने किस तरीके से आपको लास्ट वीडियो में डिवाइड करना बताया था इस इक्वेशन के फॉर्मेट में। मुझे ये वैल्यू हटानी है तो इस वैल्यू को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये वैल्यू हट जाए, तो वो जो वैल्यू जो इससे मल्टीप्लाई होगी वो आएगी उस तरफ। फाइन, फटाफट, तो 2x टू द पावर 4, तो सबसे पहले तो मुझे 2 चाहिए, ये लिख दिया मैंने 2, पावर चाहिए 4, एक एक्स है हमारे पास, तो ये हो गया x टू द पावर 3। क्लियर, तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हुआ 2x टू द पावर 4, सब प्लस में है, 2 टू ज़ा 4 और ये एक्स क्यूब, डिवाइड में माइनस भैया साइन चेंज होता है, तो मेरा पर्पज़ क्या था कि मुझे ये वैल्यू हटानी है, तो ये हो गया कैंसल, माइनस 6x क्यूब माइनस 4x क्यूब भैया माइनस 10x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर। लास्ट टाइम भी बताया था, या तो आप पूरी वैल्यू कॉपी कर लीजिए क्योंकि आना तो आखिर में 2 है, तो 2-2 करके नीचे नोट डाउन करते जाइए, अभी मैं फ़िलहाल 2 ही वैल्यू ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, मुझे माइनस 10x क्यूब हटाना है,
तो सबसे पहले माइनस और ये टेन एक्स क्यूब, एक एक्स है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्लियर। चलिए तो माइनस टेन एक्स क्यूब, फिर माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टेन टू ज़ा 20 और ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर, तो ये हुआ प्लस और ये भी हुआ प्लस, साइन चेंज होते हैं। मेरा पर्पस इसको हटाना था जो कि पर्पस सॉल्व होते जा रहा है। तो 20 और अब ये 2, तो ये हो गया भाई साहब 22 एक्स स्क्वायर। एक वैल्यू नीचे नोट डाउन कर लेते हैं, माइनस एक्स। अब मुझे 22 एक्स स्क्वायर हटाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ इसको, तो प्लस 22 और एक एक्स, क्योंकि एक एक्स हमारे पास ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 एक्स 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 स्क्वायर प्लस 22 इंटू 2 44 एक्स, ये आ गया, ये माइनस, ये माइनस, फिर मेरा पर्पस फुलफिल हो गया। आगे बढ़ते हैं तो ये माइनस माइनस 45 एक्स, क्लियर। अब बचा प्लस टू बचा आखिरी में। अब मुझे माइनस 45 एक्स हटाना है तो भाई एक्स तो हमारे पास है, ज़रूरत है 45 की, तो यहाँ पे लगा दीजिए चुपचाप माइनस 45, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 45 माइनस के साथ तो माइनस 45 एक्स माइनस और ये प्लस, तो ये हो गया माइनस 45 इंटू 2 90, साइन चेंज, तो ये होगा प्लस और ये होगा प्लस, तो ये आ गया आपका 92। तो आप गौर कीजिए लास्ट टाइम भी हमारा रिमाइंडर, शायद कुछ उधर की कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन रिमाइंडर जो आया है वो आपका यहाँ पे है 92, वहाँ भी मेरे ख्याल से 92 ही था या 94 था, एक बार वहाँ पे कैलकुलेशन चेक कीजिएगा। तो ये जो वैल्यू है ये आप इतना तमाशा करने से अच्छा है कि आप उसमें से माइनस 2 निकालिए और इक्वेशन में पुट कर लीजिए, फाइन। एक बार मैं फिर क्रॉस चेक कर लेता हूँ आपको बताने के लिए। तो यहाँ से निकला मेरा माइनस 2, वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, 2 माइनस 2 पावर 4 माइनस 6 माइनस 2 क्यूब प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस 2 और ये प्लस 2। चलिए ये हुआ 4 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और ये 32। ये हुआ 2 2 4 4 2 8 6 8 48 और ये माइनस और ये माइनस प्लस 48। 4 ये हुआ आपका माइनस, अच्छा ये तो पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया 8, ये भी हो गया आपका 2 और ये प्लस 2 तो ऑलरेडी है, तो मैंने किया था 40 और ये हो गया हमारा 50, ये हो गया 10, ये हो गया 32, फाइन। कुछ पता नहीं एडिशन में कुछ गड़बड़ हुई थी, 5 6 और ये 6 3 9। चलिए वहाँ पे कुछ शायद प्लस माइनस में गड़बड़ हुई है, तो ये 92 और ये 92, क्लियर है। अब तो दोनों चीज़ें सामने हैं, थोड़ा सा प्लस माइनस आप चेक करते रहिएगा। तो ये जो है ये है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम मीन्स ये नहीं, ये तो चेक करने के लिए है कि हमने रिमाइंडर सही में, इसी को तो रिमाइंडर बोलते हैं, तो ये डिवाइड करने से आता है कि नहीं आता है। तो आप ये जो कहानी चल रही है इसको ना करते हुए आप ये कहानी करेंगे, सामने वाला खुद ही बोलेगा फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम अगर बोलता है तो कोई डाउट ही नहीं कि वैसे ही करना है, लेकिन उसने बोला कि सिर्फ मुझे रिमाइंडर बताइए इफ़ दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। तो आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे और आपका रिमाइंडर थ्योरम ख़त्म हो जाएगा।
चलिए यहाँ तक कहानी क्लियर है, छोटा सा एग्जांपल लेने वाला था, बड़ा हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरम। अगर रिमाइंडर थ्योरम आपको प्रॉपरली क्लियर हुआ है, मैं अभी फैक्टर थ्योरम बताने के बाद रिमाइंडर के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और फैक्टर थ्योरम के भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो फैक्टर थ्योरम जो है वो सीधा सीधा फैक्टर की बात करेगा। फैक्टर आपको पता है, जैसे एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू एक्सेट्रा, ऐसे जो भी हमने ब्रैकेट में ली थी दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या होता है फैक्टर के फॉर्म में, मीन्स टुकड़ों टुकड़ों में क्वेश्चन अरेंज होता है। तो मैंने साथ ही साथ एक चीज़ बताई थी प्रीवियस वीडियो में कि अगर ये पर्टिकुलर किसी इक्वेशन पॉलिनोमिनल का अगर फैक्टर है तो ये वैल्यू जब हम निकालेंगे एक्स के फॉर्म में तो वो क्वेश्चन में रखने के बाद क्या होगा, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ज़ीरो में। फाइन, तो हम ये बोलेंगे कि हाँ भाई ये इसका फैक्टर है। अगर ज़ीरो नहीं आता है तो दैट इज़ कॉल्ड ये इसका फैक्टर नहीं है। मैं एक प्रॉपर क्वेश्चन बता रहा हूँ तब आप समझिएगा। फैक्टर थ्योरम स्टार्ट करते हैं एक प्रॉपर कंसेप्ट की तरह, एक प्रॉपर क्वेश्चन से। क्या बोल रहा है, शो दैट x माइनस थ्री इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमिनल दिस पॉलिनोमिनल इक्वेशन। क्लियर, तो मैं ये चेक करूँगा कि ये x माइनस थ्री अगर मैं इसमें से x की वैल्यू निकालता हूँ और इसको पुट करता हूँ तो ये अगर ज़ीरो हो गया तो दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। चेक करते हैं क्वेश्चन कैसा स्टार्ट होगा। लेट x माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x की आपको वैल्यू मिली x इज इक्वल टू प्लस थ्री, थ्री उधर गया तो प्लस थ्री। अब इक्वेशन है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेट करके लिख लेता हूँ। इक्वेशन है एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस कहने का एसेंट अलग है, शब्द अलग है आपके। तो इस एक्स को मैं उठा के यहाँ रखता हूँ, कैसे रख रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ एफ थ्री एक्स की जगह आ गया, यहाँ पे थ्री क्यूब माइनस थ्री ये थ्री स्क्वायर प्लस फोर थ्री और ये हो गया माइनस ट्वेल्व। फाइन, सिंप्लीफाई कर दीजिए, प्लस माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन, वैल्यू आपकी वैसे भी पॉजिटिव है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन, साहब मैं इसको यहीं से कैंसिल कर देता हूँ, आगे थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व, ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपका f की वैल्यू थ्री रखने पे आंसर क्या आया, ज़ीरो। अब ये आ गया ज़ीरो, दैट मीन्स अगर मैं वापस डिवाइड में आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ कि ये इक्वेशन अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो आपका जो रिमाइंडर है, अगर इसको रिमाइंडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इसको मैं इससे डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। मतलब पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये जो है एक्स माइनस थ्री, ये इसका पार्ट है, इसका टुकड़ा है और इसका फैक्टर है। मैं आपको चाहूँगा भले थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए लेकिन आराम से शांति से देखिए, इसको डिवाइड करता हूँ तो भाई ज़ीरो आता है कि नहीं आता मैं चेक करता हूँ। फैक्टर थ्योरम आपका ख़त्म हो गया, यहाँ पे आ गया है ज़ीरो। आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल देंगे, x माइनस थ्री इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, दैट्स इट। लेकिन मैं चाहता हूँ आप अपना कंसेप्ट और अच्छा कीजिए ताकि टेंथ में और उसके बाद भी क्लास में आपको टेंशन ना हो। डिवाइड करते हैं, चलिए इसको मैं इसको इरेज कर दूँ। चलिए मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ, ये किया मैंने डिवाइड। आपको डाउट क्लियर करने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, ध्यान रखिएगा। ये x माइनस थ्री मैं डिवाइड कर रहा हूँ, अभी आप कुछ मत सोचिए कि रिमाइंडर है कि फैक्टर है, बात की बात है, मैं बस डिवाइड करना चाह रहा हूँ, मैं चेक करता हूँ कि आखिरी में ज़ीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
मुझे ये वैल्यू हटानी है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसी है, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, साइन चेंज कीजिए, ये माइनस ये प्लस, ये पर्पस फुलफिल, ये भी माइनस ये भी प्लस, तो ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या भाई 4x माइनस 12। मुझे 4x हटाना है तो पॉजिटिव है सबसे पहले तो प्लस लगा दीजिए, सबसे पहले तो प्लस लगा दीजिए, 4x तो ऑलरेडी है, 4x माइनस 4 3 12 कैंसल, प्लस माइनस ये भी कैंसल, तो रिमाइंडर क्या आ गया दिस। बात समझ में आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मीन्स ये जो है ये भविष्य में ये जो क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, इसको ध्यान से सुनिए, अब जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, इसको जब मैं फैक्टराइज करूँगा, चाहे कॉमन निकाल के करूँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करूँ, कुछ भी करूँ, आइडेंटिटी लगाऊँ एक्स वाई जेड कुछ भी, तो मैं इसको जब फैक्टराइज करूँगा, फैक्टराइज मीन्स अरेंज इन ब्रैकेट फॉर्म, हाइएस्ट पावर कितनी है 3, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इसके 3 ब्रैकेट बनेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व होते 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 फैक्टराइज हो गया और ये ब्रैकेट फॉर्म में आ गया, तो इन 3 ब्रैकेट में से आपका एक ब्रैकेट एक्स माइनस 3 है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए क्या बोला जा रहा है कि एक्स माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ये 3 ब्रैकेट में से, भाई वही तो पूछ रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, शो दैट एक्स माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, तो 0 आ गया, तो इससे मुझे ये पता चला कि पूरा का पूरा कट रहा है, दैट मीन्स इसका एक हिस्सा ये वाला पार्ट है। यहाँ तक के कोई डाउट, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं बिल्कुल यहाँ पे आपको बोलूँगा कि आप मेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है पॉलीनोमिनल ऑफ फैक्टराइजेशन, आप प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिएगा, मैंने बहुत ही आराम से वहाँ पे हर एक क्वेश्चन को डिफाइन किया और समझाया कि फैक्टर क्या है, कोई बहुत हैवी चीज़ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ रिमाइंडर के भी क्वेश्चन देखेंगे और फैक्टर के भी थ्योरम देखेंगे डायरेक्ट, कि रिमाइंडर से डायरेक्ट कैसे बनेगा और फैक्टर से, कोई चीज़ हम चेकआउट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन कैसा बनाना है, एग्जाम में कैसा लिखना है वो हमको देखना है। क्वेश्चन है आपका फाइंड रिमाइंडर, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आरडी शर्मा से ही मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड रिमाइंडर इफ एफ एक्स 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 बाय 2। रिमाइंडर फाइंड आउट करने बोल रहा है, कुछ मत कीजिए, वो आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप मुझे डिवाइड करके रिमाइंडर बताइए या फिर आपकी वैल्यू पुट करके बताइए, बस उसने ये बोला है कि ये इससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है भैया अच्छी बात है, तो मैंने क्या किया, लेट x माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली, x इज इक्वल टू प्लस हाफ, ये हो गया क्लियर। अब मैं यहाँ पे इस 1 बाय 2 को रखता हूँ, आप लिखना चाहे तो ये वैल्यू पुट करने के बाद आप वहाँ लिख सकते हैं साइड में बाय रिमाइंडर थ्योरम, 4 पॉजिटिव है 1 बाय 2 टू द पावर 3 माइनस 12 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 14 सिंपल 1 बाय 2 माइनस 3 क्लियर। अभी सिर्फ मैंने वैल्यू रखा है, अब आप कैलकुलेशन, आज की वीडियो में मैंने कहा है कैलकुलेशन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, सॉल्व करते हैं, ये भाई साहब तो 4 है, ये हो गया 2 2 4 4 2 8 क्लियर, कोई प्रॉब्लम, 2 को मैंने 3 बार और 1 का तो 3 बार मल्टीप्लिकेशन तो 1 ही आएगा, ये 12 2 2 4 1 बाय 4, ये भाई साहब 2 7 और ये माइनस 3, जो जो सॉल्व हो रहे हैं करते जाइए, 4 1 4
टू से, तो ये आ गया वन बाय टू, माइनस फोर थ्री से, तो ये आ गया थ्री, ये हो गया प्लस सेवन, ये हो गया माइनस थ्री। चलिए हाफ को मैं अभी साइड में रखता हूँ, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो गया माइनस थ्री माइनस थ्री, माइनस सिक्स और ये प्लस सेवन। बेसिक क्लास के हिसाब से या आप अपने हिसाब से इसको प्लस माइनस कर देंगे, तो ये आ गया प्लस वन, ये आपका वन बाय टू। तो टू वन ज़ा टू, प्लस वन थ्री बाय टू। तो एफ एक्स पे जब मैंने वन बाय टू रखा तो आपकी वैल्यू आई थ्री बाय टू। अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, आपका आंसर आ चुका है, आप यहाँ लिख दीजिएगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर, यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई, आपका आंसर आ गया, आंसर लिख के छोड़ दीजिए। लेकिन मैं अपने तरफ से बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस इक्वेशन को x माइनस वन बाय टू से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर थ्री बाय टू ही मिलेगा, अगर कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हुई तो। लेकिन हाँ, इससे डिवाइड करेंगे तो समथिंग ये जो भी आंसर आता है आपका, फिलहाल तो ये सही है, तो थ्री बाय टू जो है वो आपका डिवाइड करने से भी आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल सकते हैं थोड़ा सा टेक्निकली अलग है। अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे हमने एक्स निकाला, इक्वेशन में पुट कर दिया, दैट्स इट, जो आया वो हमारा रिमाइंडर हो गया, ख़त्म बात। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, शायद मैंने बेसिक क्लास में कभी ऐसा कहा हो, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे जैसे मौका मिलता है वैसे वैसे मैं आपको रिवाइज करवाते जाता हूँ। मैथ्स जो है वो एक लैंग्वेज है, आप इसको, ये टफ़ है, प्लस है, माइनस है, कुछ टेक्निकल चीज़ों से आप अगर थोड़ा सा अलग हट के सोचें, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सारी चीज़ें नहीं होती है, लेकिन अगर थोड़ा अलग हट के सोचें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैथ्स क्या है, एक लैंग्वेज है जो कि कुछ नंबर, कुछ अल्फ़ाबेट और कुछ इंग्लिश की लैंग्वेज से मिक्सअप होकर बना है। तो इस लैंग्वेज को अगर हम मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें या पढ़ें तो शायद हमारा सवाल जो है बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है, पॉलीनोमिनल ये है ए एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एंड टू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स प्लस ए आर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू। यहाँ तक कोई दिक्कत की, मतलब ये भी और ये भी इससे डिवाइड हो रहा है, क्लियर, डिवाइड हो रहा है। इफ़ द रिमाइंडर इन ईच केस, मतलब इसका भी रिमाइंडर और इसका भी रिमाइंडर दोनों कैसे हैं, सेम हैं, इन दोनों को डिवाइड करने से जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो हर केस में क्या है, आपका सेम है, तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए आप खोज सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ए आप खोज सकते हैं इस इक्वेशन में, यहाँ लिखा हुआ है। तो मैं कोई पहलवानी नहीं करने वाला, क्योंकि अब मेरे पास है रिमाइंडर थ्योरम, उसमें मैं सिर्फ वैल्यू पुट करके आप दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे तो क्या होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बताता हूँ कैसे, ये इक्वेशन है, मैं इसको एफ एक्स बोल देता हूँ और ये इक्वेशन है, मैं इसको एफ डैश बोल देता हूँ, ठीक है। कैसे, अभी बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मैं शॉर्ट में लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब मैंने एफ एक्स में, वहाँ से माइनस टू निकलेगा, बता देता हूँ, देखिए लेट एक्स प्लस टू इजिकल टू ज़ीरो, तो एक्स इजिकल टू माइनस टू, ठीक, बाय रिमाइंडर थ्योरम। मैंने एफ एक्स, मतलब ये वाली इक्वेशन, क्लियर, यहाँ पे मैंने रखा एफ डैश वाली इक्वेशन, मीन्स ये इक्वेशन, यहाँ पे भी मैंने माइनस टू रखा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये रखने से दोनों का सेम आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये रिमाइंडर ही तो रहता है, अपन इस तरह से रखते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, ये आई इक्वेशन ए एक्स क्यूब माइनस टू स्क्वायर, सॉरी क्यूब प्लस थ्री माइनस टू स्क्वायर माइनस थर्टीन। सोच के देखिए, सिर्फ आप लेफ्ट वाले को सोचिए, दिस इक्वल टू दिस, ये चल रहा है, मैंने टू रखा, तो
तो ये क्वेश्चन में 2 आ गया, इसको थोड़ा सा हेड कीजिए, इस तरीके से चल रहा है। अब मैं इसको क्या करूँगा, कैलकुलेट करूँगा, तो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। तो वो रिमाइंडर सेम है, किसके सेम मतलब इक्वल टू, जब मैं एफ डैश वाली इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स वाली इक्वेशन है, जब मैं उसी से डिवाइड इसको भी कर रहा हूँ, तो 2 - 2³ - 5 - 2 और ये प्लस ए। ये सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, ये सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो दोनों कैसे हैं इक्वल, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन आर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू, रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम। तो ये सोल्यूशन और वो सोल्यूशन क्या हो गया, दोनों का इक्वल हो गया। सॉल्व करते हैं, पावर ऑड है, फटाफट करेंगे, 2 to the 4, 4 to the 8 ए, 2 to the 4 पावर इवन है, 4 3 ये हो गया 12 माइनस 13, यहाँ भी 2 to the 4, 4 to the 8 और 8 to the 16 पावर आपकी इवन है, तो ये हो गया क्लियर। -5 - 2 + 10 और ये हो गया ए। देखिए भैया, ये -8, ये +8 एक तरफ लेके आए थे, नंबर नंबर एक तरफ, तो -8 a - a इधर आया, तो अगेन माइनस ए, 12 13 -1 - 1 उधर गया, तो +1 -16 10 तो वो ऑलरेडी उधर ही है, तो -6 -8 -1 a -9 a 6 में से 1 गया, -5 तो a इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई 5/9। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ax³ प्लस 3x² ठीक है, -13 2x³ -5x और प्लस a, 2 to the 4, 4 to the 8 पावर ऑड है, ये आ गया 4 3 = 12 -13 8 16 -+10 प्लस a। चलिए, तो a की वैल्यू आई आपकी 5/9। तो इस टाइप के कुछ टेक्निकल क्वेश्चन बोल सकते हैं कि आ सकते हैं, आपको कंसेप्ट को एक बार क्लियर कर लेना है, सामने वाला हर जवाब आपको देगा, आप बस मैथ्स की लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। तो मैथ्स की लैंग्वेज ये है, मैंने इस इक्वेशन को डिवाइड किया, डिवाइड मीन्स रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हुए मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, तो ये इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है भाई। इस इक्वेशन को मैंने इससे डिवाइड किया रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हुए और मेरा ये इक्वेशन आ गया, दोनों से आने वाला जवाब सेम है, तो मैंने इक्वल टू रख दिया और सिंप्लीफाई कर दिया, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम फैक्टर थ्योरम का, फिर इस वीडियो को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है सब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है, सब क्वेश्चन को डिक्टेट करने के बाद ही आपको मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन लिखा है, शो दैट एक्स प्लस वन एक है, कॉमा लगा है, 2x - 3 ये दोनों इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो वो ये चेक करने के लिए बोल रहा है कि भाई ये जो क्वेश्चन है तो ये दोनों इसके फैक्टर है कि नहीं है, उसके ब्रैकेट है कि नहीं है, उसके टुकड़े हैं कि नहीं है। मैं ये तीनों चारों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसी लैंग्वेज में पढ़ाया है। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास फिर वही चीज़ है, फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, जो कि रिमाइंडर थ्योरम से इंस्पायर है, इसमें से वैल्यू निकालिए, इसमें पुट कीजिए, अगर ज़ीरो आता है तो फैक्टर है और अगर ज़ीरो नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम बस इतना ही है, रिमाइंडर में आप जो आंसर आता है बता देते हैं कि हाँ ये रिमाइंडर है, और फैक्टर में जब वो ज़ीरो आता है तो बोलते हैं कि ये फैक्टर है। चलिए मैं बता रहा हूँ, तो लेट अस चेक पहले फर्स्ट वन, लेट एक्स प्लस वन
इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू सिंपली मिल गई -1। इक्वेशन fx इज इक्वल टू 2x³ -9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। x की वैल्यू -1 पुट अप कीजिए, -1 2 -1 पावर 3, 9 -1 पावर 3, ये प्लस -1 और ये प्लस 12। क्लियर है? देख लीजिए कुछ गड़बड़ तो नहीं, 2x³ -9 ये हो गया x की जगह, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं ज़ीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1 आपका ऑड है, 1 तो 1 का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये हो गया -2, -1 आएगा, 2 1 2। +1 पावर इवन है तो ये 9 1 9। प्लस माइनस ब्रैकेट इज कॉल मल्टीप्लाई, माइनस और ये हो गया आपका 12। सॉल्व कर लीजिए, देखिए तीन वैल्यू माइनस है तो 9 10 11 12, बहुत बढ़िया। तो -12 +12 इज इक्वल टू 0। तो f -1 रखा मैंने तो आंसर आ गया 0। तो बोलेंगे यस एक्स प्लस वन वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमिनल, ठीक है। जगह नहीं है ताकि दूसरा क्वेश्चन नहीं बताना है। नेक्स्ट फटाफट, ये तो हो गया एक्स इज इक्वल टू -1 वाला खेल। सेकंड खेल, लेट 2x -3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू मिल गया आपको, ये उधर गया प्लस और ये 2 नीचे आया, ये हो गया, ठीक है। माइनस था उधर जाके प्लस 3, तो 2x प्लस 3 और 2 नीचे आ गया, तो x की वैल्यू हो गई 3/2। इक्वेशन हमारी अभी भी वही है, पुट करते हैं f 3/2 इज इक्वल टू 3/2, 3/2 टू द पावर 3 -9 3/2 स्क्वायर प्लस 2/3 इधर चल रहा है और प्लस 12, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से f 3/2, 3 3 9, 9 3 27, 2 2 4, 4 2 8, 2 2 4, 4 2 8, तो ये हो गया 8। 3 3 9, 2 2 4 प्लस 2/3 और ये प्लस 12। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखिए कैंसल, 27/4 माइनस 9 9 81 4 2/3 और ये प्लस 12। क्लियर? अब यहाँ पे मैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेता हूँ और इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 27 माइनस 81 और ये नीचे 4 कॉमन, तो 27 में भी ये गया तो कितना बचा, 54/4 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई से कर रहा हूँ मैं, 2 12 3 36 36 36 प्लस 2 37 38, नीचे 3। ठीक, सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आंसर नहीं आ रहा है फिलहाल, देखिए ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, तो यहाँ पे आपके कुछ एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू आएगी। फाइन, सीधा आपको दिख रहा है 54/4 कैंसिल नहीं होगा ये, तो यहाँ पे आंसर आपका 0 नहीं आ रहा है और यहाँ पे आपका 0 आंसर आ रहा है। तो 2x प्लस 3 जो है वो आपका फैक्टर नहीं है, 2x प्लस 3 माइनस 3
इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ऐसा ये है, थोड़ा हॉचपॉच हो गया लेकिन कंसेप्ट को आप समझिए। फिर से फैक्टर थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस सवाल को बनाया है क्योंकि वो फैक्टर ही पूछ रहा है। तो मैंने हर एक वैल्यू में से उसमें से एक्स की वैल्यू निकाली और इक्वेशन में पुट कर दी, जिससे आंसर हमारा ज़ीरो आया वो वाला पेयर फैक्टर है, जिससे नहीं आया वो वाला फैक्टर हमारा नहीं है। दैट्स इट। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद अपन वीडियो एंड करेंगे। ये भी आपका जो मैंने रिमाइंडर में एक थोड़ा सा टेक्निकली क्वेश्चन लिया था, सेम उसी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। वहाँ पे हमने क्या कहा था कि जब दो वैल्यू से मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे दो सेम रिमाइंडर मिलते हैं, याद है आपको क्वेश्चन? इसके पहले का पहले वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड ए एंड बी। चलिए ठीक है, सो पॉलीनोमिनल एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। मतलब जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा, इस इक्वेशन को, या इसको इससे डिवाइड करूँगा तो ये पूरे के पूरे कैंसिल हो जाएंगे। इसका बाय डिफ़ॉल्ट क्या मतलब है कि रिमाइंडर क्या आने वाला है, ज़ीरो। फाइन, रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो। मतलब ये इसके फैक्टर हैं, तभी तो पूरा का पूरा कट रहा है, तभी तो ज़ीरो आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? मैंने डिवाइड किया इससे तो रिमाइंडर आया ज़ीरो, दैट मीन्स ये इसका फैक्टर है। मैंने इसको डिवाइड किया इससे, रिमाइंडर आया ज़ीरो, मतलब ये जो x माइनस टू जो पूरा लिखा हुआ पेयर, ये इसके फैक्टर हैं। तो a और b निकालिए। चलिए भैया रखता हूँ मैं यहाँ पे सिंपल, किसी को इक्वल नहीं रखना है, एक इक्वेशन बनाते हुए चलना है। फिर भाई ये हमारा एफ एक्स तो सेम है, x माइनस टू तो हमारा आंसर आ गया x प्लस वन, और दूसरे केस में हमने x माइनस टू है तो उधर गया तो x की वैल्यू मिल गई हमें 2। यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात है नहीं। चलिए पुट करते हैं पहले 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 10 1 का स्क्वायर प्लस a 1 प्लस b। तो जब मैं ये सॉल्व करूँगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा आपका, ज़ीरो। सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही तो स्टेटमेंट है अभी मैंने कहा था। तो ये 1 10 1 10 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको इक्वेशन मिली ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 प्लस 1 11 11 उधर गया तो ये इक्वेशन नंबर 1। सेकंड पार्ट 2 रखते हैं, ये रखा मैंने 2 सेम प्लेटफॉर्म में आगे रख के इक्वल टू 0 2 क्यूब प्लस 10 2 स्क्वायर प्लस ए 2 प्लस बी इक्वल टू 0। एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 2 4 4 2 8 2 2 4 4 × 10 40 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0 40 प्लस 8 48 इक्वेशन मिली आपको 2ab इज इक्वल टू माइनस 48। कोई टेंशन भाई, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ये दो इक्वेशन आपने लिखी फ्रेश लिख लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 11 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 48। इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कीजिए, a और b आपको मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, सामने दिख रहा है इक्वेशन 1 में 2 आप माइनस कर दीजिए, या किसी एक इक्वेशन से ए या बी कुछ भी निकालिए जो आपको कंफर्टेबल लगे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए ये हो गया माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को मैंने माइनस कर दिया तो माइनस टू है तो ए, तो ये हुआ ए, बी तो हो गया कैंसिल, 48 प्लस में है तो ये हुआ 1 और ये 31, तो ए हमारा पॉजिटिव, तो ए की वैल्यू हमको मिल गई
माइनस 31 फाइव सेवन 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 तो ये हो गया माइनस 37। अब ए की वैल्यू किसी एक क्वेश्चन में पुट कर लीजिए और बी निकाल लीजिए। ये तो हुआ आज का वीडियो में रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम। क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और करेक्शन भी बताइए कि मेरे पढ़ाने में क्या कम और क्या ज़्यादा है, ताकि उन चीज़ों को मैं करेक्शन करके आपको और अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कर पाऊँ। मेरी पूरी कोशिश है कि आपका कंसेप्ट जो है मैथ से रिलेटेड वो बिल्कुल जो भी डाउट है वो ज़ीरो हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कोशिश तो कर सकते हैं ज़ीरो हो ना हो, लेकिन ज़ीरो के आसपास तो हो जाए डाउट अपने कम। तो ये सारी मेहनत आप ही के लिए की जा रही है ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट आए और फ्यूचर में आप मैथ्स को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो फाइनली इस वीडियो को और सारी वीडियो को अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे इस चैनल में। थैंक यू वेरी मच।